80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। तेजस्वी यादव ने अभी अभी जवाब दिया है। जवाब किस बात को लेकर, हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में इन दिनों चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की चर्चा चल रही है। मुकेश सहनी भी चर्चा में है, लेकिन चिराग और तेजस्वी की चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि क्या बिहार में दो युवा राजनेता एक साथ राजनीति में दिखे जा सकते हैं। मतलब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव क्या बिहार की सियासत में एक साथ मैदान में उतरने वाले हैं, मतलब साथ साथ आने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव ने जवाब दे दिया है। अभी से ठीक कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और इस प्रेस वार्ता में चिराग पासवान को लेकर पूछे गए सवाल पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी का जो नरेंद्र मोदी परिवार मुहिम चल रहा है वो उसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, वो तमाम बातें आप सुन लीजिए। और चिराग पासवान पर सबसे अहम बयान तेजस्वी यादव का फिलहाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनिए। और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन था, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे थे। ये बजट मैं देखे तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे, तो हम ही मंत्रियों का साइन जो हम ही लोगों ने भेजा। खैर ये बातें अलग हैं, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में हम लोग लड़ेंगे और बिहार से हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देंगे। तो इसीलिए आप सब लोगों को हम आज बुलाएं ताकि आपके माध्यम से हम लोग बिहार की जनता को धन्यवाद दें, चाहे कोई वर्ग के हों, कोई जाति के हों, कोई धर्म के हो, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन इस रैली में रहा। तो इसलिए आप सब लोगों को भी यहाँ धन्यवाद देते हैं। अब कोई सवाल होगा तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं। एक सवाल है, आप कहते हैं कि आप कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, ये हम लोगों का हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में चिंता नहीं है। ठीक है, इसमें हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वहीं हैं, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। भूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं जी का परिवार, भूषण शरण सिंह जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछले बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं, ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए। तो सुना आपने तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे। बिहार में
जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही लगातार चर्चा चल रही है चिराग पासवान को लेकर के, या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब से नरेंद्र मोदी के साथ यानी कि एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हुए हैं तब से चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल रही है। कई जगहों पर चर्चा यह भी थी कि चिराग पासवान नाराज है, और चर्चा वो अभी तक बनी हुई है क्योंकि सीटों का पेच भी फंसा हुआ है। चिराग पासवान के अगर लोजपा रामविलास की बात करें तो उस पार्टी को लेकर के और एनडीए में जो चर्चाएं चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के, इन दोनों बातों को अगर जोड़ें तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। हाजीपुर सीट को लेकर भी मसला फंसा हुआ है, लेकिन ऐसे में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, तेजस्वी के नेता भी कह रहे हैं दबी जुबान से अप्रत्यक्ष रूप से कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव को साथ हो जाना चाहिए। अब तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के साथ आने को लेकर ही पूछे गए सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कई सारी बातें उन्होंने तो ये तक कहा कि जब से यहां सरकार बनी है तब से विकास का काम छोड़ दिया है सब लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार को गाली देने का ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के परिवार पर जो लालू प्रसाद यादव ने टिप्पणी की थी, कहा था कि ये तो परिवारवाद की बात करते हैं, बताएं कि इनका कोई परिवार क्यों नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने बायो में लिखना शुरू कर दिया मोदी का परिवार। अब मोदी का परिवार लिखे जाने पर भी तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आप सभी ने सुना है, और सीट शेयरिंग को लेकर भी तेजस्वी यादव ने क्लियर कट बता दिया है कि कब सीट शेयरिंग होने जा रही है और किस प्रकार का प्लान है। तो देखिए बिहार की सियासत में काफी कुछ चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का जो मुद्दा है उस पर तेजस्वी यादव ने अब अपनी टिप्पणी दी है, अब अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ कहा है कि हमें कहीं नहीं जाना है, जिन्हें आना है उन्हें आना होगा, हम सबका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव के नेता भी लगातार इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और खबर तो यह भी है कि चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अब नाराजगी का कारण देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का जो मसला फंसा है एनडीए में उसको वो भी कहा जा रहा है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट अगर उन्हें नहीं दिया जाता है तो कहा जा रहा है कि उन्होंने निर्दलीय लड़ने की भी तैयारी कर ली है, मतलब अपनी ही पार्टी पर के साथ वो हाजीपुर चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कई सारी बातें चिराग पासवान को, ये भी बात है कि चिराग पासवान ने अब तक खुल करके बीजेपी के खिलाफ या तेजस्वी यादव के साथ जाने को लेकर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब भी चिराग से सवाल पूछा गया चिराग ने इस बात को टालना ही सही समझा। पिछले दिनों हमने आपको खबर बताई थी जब रात में चिराग पासवान दिल्ली से लौटे थे तो हमारे संवाददाता प्रेम ने जब बातचीत करने की कोशिश की थी तो तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने बहुत कुछ नहीं कहा, बस चलते गए और सवालों को टालते गए। लेकिन ऐसे में अब एक बार फिर से चूंकि बिहार की सियासत में चर्चा इस बात को लेकर होने लगी है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव साथ आ सकते हैं, अब इनके साथ आने से बिहार का पॉलिटिकल सिनारियो कैसे बदलेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार के ये दो मजबूत युवा नेता, चिराग पासवान का भी जनाधार बिहार में बहुत ज्यादा है, तेजस्वी यादव का जनाधार आप देख ही रहे हैं, पिछले दफे कई दिनों पहले आपने देखा कि किस प्रकार जनविश्वास रैली में जब निकले थे तो क्या हुजूम उमड़ रहा था, और चिराग पासवान के साथ भी ऐसा ही होता है। एक बड़ा तबका है युवाओं का जो पासवान को समर्थन देता है। अगर जाति आधारित पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं जो बिहार में काफी प्रचलित भी है तो जाति के आधार पर भी देखें तो पासवान वोटर्स जो हैं वो चिराग पासवान के साथ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं पशुपति कुमार पारस को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में तमाम चीजें हैं, तमाम रणनीतियां, और कहीं ना कहीं यही कारण है चिराग पासवान के जनाधार को देखकर ही बीजेपी उन्हें अपने साथ रखती है या एनडीए अपने साथ रखती है। लेकिन अब चिराग पासवान का मूड क्या सही में बदल गया है, चिराग पासवान क्या सच में बीजेपी से खफा है, और क्या उन्होंने अब तेजस्वी यादव के साथ जाने का फैसला कर लिया है, मन बना लिया है, ये देखिए तमाम सवाल हैं जो सवाल मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर तैर रहे हैं। इन सवालों का जवाब अब चिराग पासवान बखूबी दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव से जब चिराग पासवान को लेकर सवाल किया गया तो क्या कुछ जवाब उन्होंने दिया है वो आपने सुना है। अब ये भी बात है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए में गए हैं तब से क्या चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से चिराग पासवान की नाराजगी 2020 के विधानसभा चुनाव से ही है, और विधानसभा चुनाव में 2020 के चिराग पासवान ने कैसे नीतीश कुमार को परेशान किया था, कैसे उनका वोट काटा था, कैसे कई सीटों पर उन्हें पछाड़ दिया था, भले ही चिराग पासवान वहां सफलता हासिल ना कर पाए हों, अपने विधायक ना दे पाए हों, लेकिन चिराग पासवान ने वोट अच्छा खासा बिगाड़ा था नीतीश कुमार का, और तब से लेकर, और उसके पीछे भी कारण था। चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारे पिता का अपमान किया था, इसका बदला हम लेकर रहेंगे। अब सियासी रूप से जो बदला है वो तो लेते ही हैं, लेकिन जब सामने आते हैं नीतीश कुमार तो चिराग पासवान पैर छूना नहीं भूलते, सम्मान देना नहीं भूलते। लेकिन सियासत की बातें अलग हैं, निजी बातें अलग हैं। सियासत में अगर बात करें तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के धूर विरोधी हैं, और ऐसे में चूंकि एनडीए में नीतीश कुमार चले गए हैं, आपने उस समय भी देखा जब जेपी नड्डा चिराग पासवान को पटना लेकर के आए थे और नीतीश कुमार के सामने जब गए थे तो पैर छू करके आशीर्वाद दिया था चिराग पासवान ने। ये तमाम चीजें तो हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, चुनाव लड़ने की जब बात आती है, सीट शेयरिंग की जब बात आती है, तब यहां पर चिराग पासवान थोड़ा सा डवाडोल दिखते हैं एनडीए से, और यही कारण है
कि उनके इस स्थिति को, उनकी इस मनोस्थिति को भांपते हुए जो सवाल हैं वो बिहार में उठने लगे हैं कि चिराग पासवान अब तेजस्वी के साथ क्या जाएंगे। अब इस पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है, देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान का इस पर फाइनल जवाब क्या कुछ आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।